हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, पत्नी पति की पैतृक संपत्ति में विभाजन का दावा नहीं कर सकती। फ्रेंड्स, वीडियो अंत तक देखिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलिए। तो चलिए जानेंगे, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया कि पत्नी अपने पति की पैतृक संपत्ति में यानी पति की एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में विभाजन का दावा नहीं कर सकती है। अब माननीय न्यायमूर्ति ने श्री एसबी संपत कुमार बनाम श्री एसबी पारसमल, ये केस का नाम है फ्रेंड्स, श्री एसबी संपत कुमार बनाम श्री एसबी पारसमल और अन्य के मामले में यह फैसला सुनाया है। अब कोर्ट ने क्या कहा ये जानेंगे हम। एक पत्नी अपने पति की पुश्तैनी संपत्ति में यानी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में विभाजन का दावा नहीं कर सकती है। एक हिंदू पुरुष के जीवन काल के दौरान न तो उसकी पत्नी और न ही बच्चे उनकी स्व अर्जित संपत्ति में विभाजन का दावा कर सकते हैं। एक हिंदू पुरुष की मृत्यु के बाद विभाजन की मांग करने का अधिकार उत्पन्न होता है। अदालत ने इस मुद्दे को समझाने के लिए एक उदाहरण दिया यानी एग्जाम्पल दिया। यदि स्वयं अर्जित यानी सेल्फ प्रॉपर्टी है तो स्व अर्जित संपत्ति के साथ एक हिंदू पुरुष की मृत्यु हो जाती है और उसके एक पत्नी और दो लड़के हैं, तो पत्नी सहित उसके वारिसों को एक तिहाई हिस्सा ही मिलता है। अगर संपत्ति पैतृक है यानी एंसेस्टर प्रॉपर्टी है तो पत्नी को तीसरा हिस्सा नहीं मिलता है, बल्कि नेचुरल विभाजन के कानून का उपयोग करके उसका हिस्सा घटाकर एक नौवां हिस्सा हो जाता है यानी एक नौवां अंश हिस्सा हो जाता है। नतीजन एक पत्नी का पहले से मौजूद अधिकार उसके पति की स्वार्जित संपत्ति के एक तिहाई यानी एक तृतीयांश और पैतृक संपत्ति की स्थिति में यानी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की स्थिति में एक नौवे हिस्से तक ही सीमित रहता है। सो फ्रेंड्स, यह था हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण डिसीजन। थैंक यू।